उत्तराखंड के दलित भोजन माता केस में अब नया मोड़ आ गया है। आज दिल्ली सरकार भी इस मामले में कूद पड़ी है। दिल्ली सरकार ने आज ऐलान किया कि चंपावत की जिस सुनीता के हाथ का खाना सवर्ण छात्रों ने नहीं खाया था, उसी सुनीता को अब दिल्ली में नौकरी दी जाएगी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस बारे में ऐलान किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक घटना हुई जहां एक स्कूल के बच्चों ने भोजन माता के खाने द्वारा बनाए गए खाने को खाने से इनकार कर दिया, यह कह के कि ये दलित है और हम इसके बने हाथ का खाना नहीं खाएंगे। और जब इस ये बात वहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी मिस्टर पुरोहित तक पहुँची, उन्होंने जबकि ये पूरी प्रक्रिया इंटरव्यू लेके सिलेक्शन हुआ था मिसेस सुनीता का इस पोस्ट पे, लेकिन चूंकि उन बच्चों ने उसके हाथ के बने खाने को खाने से इनकार कर दिया तो मिस्टर पुरोहित ने उनको नौकरी से ही हटा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री होने के नाते मैं आप सबके सामने ये बोल रहा हूँ कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो काबिल नहीं है, वो लोगों को न्याय नहीं दे सकते और पूरी राजनीति उनकी जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, वो लोग समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। मतलब होना तो ये चाहिए था कि बच्चों को समझाया जाता, या अगर उनको फिर भी ट्रांसफ़र भी किया जा सकते थे, और उन्होंने उस महिला को नौकरी से ही निकाल दिया। पहली बात तो ये कि अगर इस तरीके से इस आधार पे कि वो महिला दलित थी जो खाना बनाती थी और वो बच्चे खाने से इनकार कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ देश में जो बर्तन बनते बर्तन बनाने का काम कौन करता है, देश में जो कपड़े बनते कपड़े बुनने का काम कौन करता है, देश में जो मकान बनते मकान निर्माण का काम कौन करता है, मंदिरों के अंदर जो भगवान की मूर्ति लगती है उस मूर्ति को बनाने का काम कौन करता है, अगर केवल इस आधार पे चूंकि एक दलित महिला ने बनाया है और इस आधार पे खाने को इनकार कर दिया जाए, तो क्या इस सोच वाले लोग अपने घरों में रह पाएंगे, क्या वो जूते पहन पाएंगे? जूते भी तो हमारे समाज के लोग बनाते हैं, खेत के अंदर मेहनत करके अन्न उगाने का काम भी हमारे लोग करते हैं, सड़क निर्माण का काम भी हमारे लोग करते हैं, भवन निर्माण का काम भी हमारे लोग करते हैं। तो अगर इस आधार पे देखें तो क्या क्या छोड़ेंगे, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि देश ऐसे नहीं चलता। देश, ये भारत विविधताओं का देश है जहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, हर 50 किलोमीटर पर यहाँ भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। तो भारत को एकजुट रखना है तो भारत में आपस में भाईचारा और प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। दरअसल चंपावत के सूखी डांग के राजकीय इंटर कॉलेज के सवर्ण छात्रों ने इसलिए खाना नहीं खाया था क्योंकि सुनीता को नियुक्ति मिली थी भोजन माता की, और एक दलित भोजन माता के हाथ का बना खाना उन्होंने नहीं खाया था। इसके बाद जो इंक्वायरी हुई तो सुनीता को ही हटा दिया गया। जातिवादी अधिकारियों ने सुनीता की नियुक्ति को अवैध बताकर उसे हटा दिया। सुनीता की जगह एक ब्राह्मण महिला को नौकरी दी गई, लेकिन अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्कूल के दलित छात्रों ने भी ऐलान कर दिया है कि वो ब्राह्मण महिला के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखें, और इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पुराने वीडियो देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।